वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा एंजल विंग आई मेकअप करके दिखाऊंगी और ये आईज आप किसी भी पार्टी या फंक्शन पे काफ़ी इजीली बना सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है देन कीप वॉचिंग माय वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मालियो का प्राइमर यूज़ किया है। आई प्राइमर आप अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। प्राइमर से क्या होता है, हमारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और जब हम प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से उनकी एप्लीकेशन होती है। उसके बाद मैंने अपना रेगुलर फिटमी का यहाँ पे बेस यूज़ किया है। आप अच्छे से अपनी आईज़ को डिफाइन कर लेंगे इस तरीके से। एक ब्रश की हेल्प से आप लगा सकते हैं या फिर फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप ब्रश की हेल्प से लगाने के बाद आप फिंगर से या जो ब्यूटी ब्लेंडर आता है हमारा उससे आप इसे टैप टैप करके अच्छे से फिनिशिंग देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेकअप स्टूडियो की पैलेट से ऑरेंज कलर। और जो आपका ये कलर है सिर्फ आप इसे क्रीज एरिया पर ही अप्लाई करेंगे, लाइट लाइट काफ़ी। ज़्यादा आपको ये जो आई शेडो काफ़ी फैलानी नहीं है, सिर्फ आपको एक क्रीज एरिया पर ही इसे अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्राइलोन का जेल आईलाइनर। और इस तरीके से आप मतलब काफ़ी आप जब आप लाइनर इस तरीके से लगा रहे हैं विंग लाइनर तो हाथ को थोड़ा मतलब संभाल के एकदम फोकस के साथ और आप थोड़ा टाइम ले यहाँ पे इस तरीके से लाइनर को लगाने में। इस तरीके से आपको ये टेक्निक आप एक बार ध्यान से देखें, आप दोबारा रिवाइंड करके देखें, इस तरीके से आपको यहाँ पे ये अप्लाई करना है। ब्रश आप काफ़ी लाइट लाइट चलाओगे पहले, एकदम डार्कली नहीं, काफ़ी प्रेशर के साथ नहीं चलाना है, काफ़ी पहले आप लाइटली चलाओ और उसे फिर बाद में डार्क करो इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको ब्लैक आई शेडो से इसे ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लैक आई शेडो के साथ आप इसे ब्लेंड कर देंगे इस तरीके से। अच्छे से आपको ब्लेंडिंग होनी चाहिए क्योंकि आपके एक एजेस बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैं ब्लेंडिंग करने के साथ साथ जो है अपनी जो आईज है उसे एक तिरछा लुक दिया है ब्लैक आई शेडो को। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेस से इस तरीके से अपनी क्रीज क्रिएट करी है। उसके बाद आप जब ये क्रीज क्रिएट कर रहे हैं तो उसके बाद ऊपर आप कोई लूज पाउडर वगैरह ना अप्लाई करें क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप लूज़ पाउडर अप्लाई कर दोगे फिर आपकी जो आई शेड है वो अप्लाई नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आप कोई लूज़ पाउडर वगैरह कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं अप्लाई करोगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये रेडिश सा कलर जो है हमारा आई शेडो है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और ब्लेंडिंग आप अच्छे से करेंगे, जो आप आई शेडो कोई भी आप यूज़ करें उनके बीच में लाइन नहीं दिखनी चाहिए, एजिस नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे पैक की पैलेट से हाइलाइटर यूज़ किया है, इनर आईलिड पर अप्लाई करेंगे अच्छे से। उसके बाद आप हाइलाइटर अपनी आईब्रो को डिफाइन कर लेंगे और ब्रो बोन पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। ब्लेंडिंग आपकी हर कोई भी आप आई शेडो यूज़ करें ब्लेंडिंग आपकी अच्छे से होनी चाहिए, एजेस बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। और फिर आप नीचे भी अपना आईलाइनर जेल आईलाइनर अप्लाई कर लेंगे और ब्लेंडिंग अच्छे से करेंगे। आउटर कॉर्नर से आप अपनी आई शेडो को इस तरीके से ब्लैक एक मिक्स कर देंगे, अलग अलग नहीं लगना चाहिए कि ऊपर का अलग है नीचे का अलग है, उन्हें आपको मैच करना है, मिक्स करना है इस तरीके से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हमने ऊपर ऑरेंज कलर यूज़ किया था वही कलर मैंने यहाँ पे नीचे यूज़ किया है, अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। और उसके बाद काजल अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से जो है हमारी आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और भी मैंने कई सारी आई मेकअप की वीडियोस अपलोड कर रखी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।